हेलो गाइस, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीवीएस जुपिटर के बारे में और इसका पूरी स्पेयर पार्ट्स में इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के साथ आप बने रहिए क्योंकि आपके पास टीवीएस जुपिटर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के और आप देख रहे हैं बेवीजा टेक मोटर एडोस। अब हम पहले टीवीएस जुपिटर का मडगढ़ देखेंगे। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये पूरे ओरिजिनल पार्ट से टीवीएस की तरफ से और इसका पैकिंग भी आप देख सकते हैं, ओरिजिनल टीवीएस का पैकिंग है। और इसके अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका पैकिंग कैसा है। ये आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छी तरीके से ये पैकिंग हुआ है। और इसके अंदर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ये। और अगर इसका एमआरपी की प्राइस करें वो भी मैं आपको इस वीडियो में ही बता देता हूँ। ये लगभग 1275 रुपीस है। इधर आप देख सकते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग भी 2019 में हुआ है और इसका एमआरपी 1275 रुपीस। अब हम जुपिटर का हेडलाइट असेंबली देखेंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें टीवीएस जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स लिखा हुआ है और ये ओरिजिनल पैकिंग है टीवीएस की तरफ से। और मैं आपको ये पार्ट एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये अभी ये वाइट कलर में अवेलेबल है और इसका पैकिंग भी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से किया गया है। ये देखें आप, ये देखिए, ये फ्रंट पैनल है। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से पैकिंग हुआ है। और अगर इसका एमआरपी की बात करें तो ये लगभग 540 रुपीस का है इसका एमआरपी। आप इधर देख सकते हैं 540 रुपीस। अब हम टीवीएस जुपिटर का फ्रंट पैनल देखेंगे यानी फ्रंट बॉडी पैनल। इसका भी आप पैकिंग देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से किया गया है। और ये अभी ब्राउन कलर में है, आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से इसका पैकिंग हुआ है। और इसका क्वालिटी भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है इसका क्वालिटी। और ये देख सकते हैं इसका प्लास्टिक भी अच्छी तरीके से इसका मटेरियल है। और अगर हम इसका प्राइसिंग की बात करें तो ये इधर आप देख सकते हैं 1300 रुपीस लिखा हुआ है इधर, और ये 2019 मैन्युफैक्चर्ड है। अब हम बॉटम पैनल देखेंगे जुपिटर का। ये आप देख सकते हैं ये जुपिटर का बॉटम पैनल है। इसका क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से इसका क्वालिटी। और अगर हम इसका प्राइसिंग की बात करें तो ये लगभग इधर आप देख सकते हैं 1045 रुपीस है इसका एमआरपी, और ये 2017 मैन्युफैक्चर है। अब हम बात करते हैं टीवीएस जुपिटर का इंजन ऑयल के बारे में और एयर फिल्टर के बारे में। पहले हम इंजन ऑयल के बारे में बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये टीवीएस का लोगो है इधर, और ये टीवीएस का ओरिजिनल ट्रू फोर प्रीमियम इंजन ऑयल है। और ये इसका कैपेसिटी आप देख सकते हैं 900 ml है। और ये इधर आप लिखा हुआ है कि सेमी सिंथेटिक लिखा हुआ है इधर। और इसका एमआरपी की प्राइस बात करें तो ये 275 रुपीस है इसका एमआरपी, और इसका मैन्युफैक्चर डेट 2020 में हुआ है। आप देख सकते हैं इसको। अब एयर फिल्टर के बारे में बात करेंगे। अब ये जेन्युइन एयर फिल्टर है, आप देख सकते हैं टीवीएस की तरफ से। और इसका एमआरपी की बात करें तो ये लगभग 219 रुपीस है इसका एमआरपी, और ये डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी आप देख सकते हैं 2020 में हुआ है ये। अब हम मैट्स के बारे में बात करेंगे। ये मैट्स आगे सेक्शन में डालते वो मैट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप, ये मैट्स हैं आगे सेक्शन में, इसको डालते हैं। और इसका एमआरपी आप देख सकते हैं 1405 रुपीस है। और ये इतना क्यों है कि इसमें 5 पीसेस हैं, इधर आप देख सकते हैं क्वांटिटी 5 नंबर्स है, इसीलिए इतना प्राइस है। अगर आप 1400 / 5 किए तो इसका ओरिजिनल एक पीस का कॉस्ट आ जाता है। और ये देख सकते हैं ओरिजिनल टीवीएस का पैकिंग है इसमें, और ये मेड इन इंडिया है, आप देख सकते हैं इसको। अब हम ब्रेक्स की बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं टीवीएस का जेन्युइन स्पेयर पार्ट है ये, और ये
पिछले सेक्शन का ड्रम ब्रेक है, और बेस मॉडल्स में पिछले और आगे सेक्शन दोनों में ड्रम ब्रेक मिलता है। और अगर हम इसका प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 171 रुपीस है इसका प्राइस, और आगे सेक्शन में हमको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और उसका प्राइस लगभग 150 से लेके 200 रुपीस तक होता है इसका मार्जिन। अब हम बात करते हैं टीवीएस का जुपिटर का साइड पैनल के बारे में। आप ये साइड पैनल देख सकते हैं, ये पूरा मेटल का साइड पैनल है, और इसका पैकिंग भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से किया गया है। और एक बार मैं आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ इसका कैसा है क्या है। ये आप देख सकते हैं गाइस इसका क्वालिटी कितना बढ़िया तरीके से है, ये पूरा मेटल का बना हुआ है इसका। और ये एक साइड का पैनल है ये। और इसका प्राइसिंग की बात करें गाइस आप इधर देख सकते हैं 1525 रुपीस का है ये, और ये 2017 में मैन्युफैक्चर हुआ है। हम बात करते हैं जुपिटर की सीट के बारे में, और ये आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल सीट है जुपिटर का, और इसका पैकिंग भी आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं इसका, और इसका अगर हम डिटेल की बात करें तो इधर आप देख सकते हैं इसका ये बहुत भारी है, और इसका क्वालिटी भी आप देख सकते हैं गाइस कितना अच्छी तरीके से है ये। और इसका प्राइस, मेन पॉइंट प्राइस की बात करें तो ये लगभग 700 से लेके 1000 रुपीस तक होता है। इसका एग्जैक्ट MRP इधर नहीं है, और इधर आप देख सकते हैं इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर आई थिंक आपको अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, 2018 में मैन्युफैक्चर हुआ है ये। 700 से लेके 1000 रुपीस तक इसका ओरिजिनल MRP रहता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही डिफरेंट कंटेंट्स लाते रहेंगे। और किसी भी स्पेयर पार्ट का अगर पार्ट मिस हो गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।